जानवर के अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए, जो जानवर है उसके अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए। इसके ताल्लुक से हमको जो रिवायत मिलती है अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, सुना ना अबू दाऊद हदीस नंबर 2802, कि जानवर में ऐब जायज़ नहीं है। कैसे कि वो जो जानवर तुम लो तो वो काना नहीं होना चाहिए, यानी उसकी आँख बराबर होनी चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए, कोई इसके आँख के अंदर ऐब नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो है वो बीमार ना हो, इसी तरह वो लंगड़ा ना हो और वो कमज़ोर ना हो, यानी ऐसा जो लागे जानवर ना हो कि उसके अंदर कुछ चर्बी ना हो। और इसी तरह एक और रिवायत में फरमाया, ये भी सुना अबू दाऊद की रिवायत है हदीस नंबर 2781, कि इसमें और फरमाया कि वो कान कटा और सींग टूटा भी ना हो। तो ये ऐब जो है जानवर के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो बेऐब जानवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आदमी जो है, कई लोग सोचते हैं कि यार कि चल जाएगा, थोड़ा सा तो है, सींग टूट गया तो क्या हो गया, इतना तो चल जाना चाहिए, थोड़ा सा लंगड़ा रहा है तो क्या चल जाना चाहिए। तो हम देखिए, हम दुनिया के अंदर भी हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ अगर हम नई लेने जाएंगे, मोटरसाइकिल कोई लेने जाए और अगर शोरूम पे जाता है, वो शोरूम के ऊपर जो है वो कहते भाई थोड़ा सा जो है इसकी टंकी पर स्क्रेच आ गया, मडगांठ थोड़ा सा जो है क्रेक हो गया, तो क्या चल जाएगा, तो चल जाएगा तो हम गाड़ी लेंगे, वो हम नहीं लेते। तो हम इसलिए कि हमारे लिए पसंद नहीं कर सकते, तो उस रब के लिए कैसे पसंद कर सकते हैं जो उस रब ने हमको नेमत अता की है। तो उसके लिए भी जो बेऐब जानवर होना चाहिए, उसके अंदर कोई जो है ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और खालिस अल्लाह के लिए भी होना चाहिए, खालिस अल्लाह के लिए, दिखाने के लिए भी नहीं कि आदमी के पास पैसा है तो अच्छा जानवर लाए और उसके जो है उसको शोरूम में रख दे और लोगों को उसको दिखाता फिरे या घुमाता फिरे कि मेरे पास ऐसा जानवर है। तो खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए, और ये सिर्फ अल्लाह के लिए ही होती है कुर्बानी। कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया, सूरह कौसर की आयत नंबर 2 में अल्लाह ने फरमाया कि फसल लिली रब्बी का वनहर, कि नबी अपने रब के लिए आप जो है नमाज कायम कीजिए, नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। इसी तरह एक और कुरान की एक और आयत में अल्लाह ने फरमाया, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 162 में अल्लाह फरमाता है, कुल इन्नी सलाती व नुसुकी व महयाया व मम्माती लिल्लाही रब्बिल आलमीन, के नबी कह दीजिए, ए नबी आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी यानी मेरी तमाम इबादतें सिर्फ और मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो नियत जो है खालिस होनी चाहिए अल्लाह के लिए। और यहाँ पर जो बताया गया कि हमने आपको कौसर अता किया, यानी कौसर एक अल्लाह के रसूल सल्लम को एक ऐसी चीज़ दी गई जो नेमत है अल्लाह की तरफ से, तो उसके बदले में आप क्या कीजिए कि आप नमाज़ कायम कीजिए, नमाज़ पढ़िए और कुर्बानी कीजिए।